नमस्कार, मैं हूं कनिष्क और अर्थ प्रकाश न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हमें पता है कि हरियाणा में इलेक्शंस को 20 दिन रह गए हैं और बीजेपी ने यहां पे एक नारा जो है वो लगाया है कि इस बार 75 पार। तो हमने अपनी जनता से जानने की यहां पे कोशिश करी कि क्या बीजेपी इस बार 75 पार कर पाएगी या नहीं। आपकी बार 75 पार क्या हो पाएगी? हो सकता है, हो सकता है। हाँ। कैसे? मतलब दुनिया को देख के, मतलब जो दुनिया कह रही है उनको देख के तो हो सकता है। वैसे और पार्टीज की बात की जाए, और के बारे में हमारे को पता नहीं है। तो मतलब कितना जोर लग रहा है बाकी पार्टीज का आने का, कि सिर्फ बीजेपी का ही? बीजेपी का ज्यादा लग रहा है। तो अगर विकास की बात की जाए तो पंचकुला में क्या कुछ विकास हुआ? विकास तो उन्होंने सारा किया है, वैसे सारी चीजें हुई, तो रोड हो गया, सारे बिजली होगी, सारा काम हो गया, ओके बिल्कुल, कोई कंप्लेंट नहीं। हमारा फायदा तो ऑटो चलाता है, हम तो भाई ऑटो में फायदे फायदा हमारे को। तो क्या 75 बार कर पाएगी? जरूर करेगी जी। आपको ऐसा क्यों लगता है? हाँ जी, ठीक है, काम ठीक है जी, उसमें काम ठीक है। तो क्या क्या काम आपके नजरिए में कराए हैं उन्होंने? काम जो भी नज़र में आ रहा है देश के लिए, सब ठीक ही हो रहे हैं जी। बाकी पंचकूला की बात की जाए तो विधायक जो मौजूदा है ज्ञानचंद गुप्ता जी, हाँ जी, पंचकूला में क्या कुछ विकास हुआ? काम ठीक ही हो रहे हैं जी, सारे ठीक का काम है, जो भी है काम तो वैसे ठीक ही है जी। अब पार्टी की बात की जाए, आप है, कांग्रेस है, इनेलो है, जेजेपी है, इनमें कैसा देखते हैं? वो तो जी अब जब सत्ता में आती है तभी पता लगता है जी। अब तो जो है तो जो अब... मेरा नाम गोविंद है जी। तो इस बार जो 21 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी का ज्यादा दबाव है? दबाव देखो है तो जोर ज्यादा ज्ञानचंद गुप्ता जी के, बाकी प्रदीप चौधरी खड़े कांग्रेस में, कुछ सीटें वो ले जाएंगे, बाकी तो उम्मीद ही बहुत है जी ज्ञानचंद गुप्ता जी के ऊपर। हाँ जी, उसमें क्या क्या आपको जो है ना बहुत अच्छा काम करे, रोड सही बना दिए, चौके सही बनाए, लाइटें सही लगा दी जी, बाकी रह गया रोडवेज की है, इन रोडवेज घाटे में चल रहे, बस इन्हें की बहुत घाटे जी, बाकी रोडवेज वाला भी यही कहते जी सरकार कुछ कर नहीं रहे हमारी, बाकी सरकारी करेगा भी क्या, कर्मचारी बहुत घाटे जी इनकी, बाकी रह गया बच्चों की थोड़ा बहुत, बच्चों भी अपने आप सुधार करनी चाहिए उनकी, और अपना टाइम पे जाते नहीं घर, जिस बस में देखते ही हैं ज़्यादा लेडीज है उसी बस में जितने लड़के इकट्ठे होकर चढ़ जाते ही हैं, बाकी तो अदरवाइज बस खाली जाती है रूट में ही है, बाकी ऐसा कोई बात नहीं। ज्ञानचंद गुप्ता जी बहुत अच्छा काम करे जी, साइकिल के काम करे जी, बहुत बढ़िया काम करे जी, आम पब्लिक ई रिक्शा पाए बहुत खुश है, लाइटें लगाती है, रोडे बना दिए जी। पानी देखो ज्ञानचंद गुप्ता जी भी क्या करेंगे, पानी तो कई सालों से इस तरह बह रहा पानी है जी, उन्हीं के हाथ में तो है ही नहीं, करना चाहिए उनको तो कोई उपाय। हाँ, करने चाहिए, जहाँ रोड नीचे डाउन है वो बराबर करने चाहिए, जैसे 10 सेक्टर थी रोड है, 32 से लेफ्ट साइड 9 भी जाते हैं, वहाँ पानी इकट्ठे हो जाते हैं हमेशा ही है, वो तो शुरू से ही है, ज्ञानचंद पहले भी पानी इकट्ठे होते हैं, उसके भी करने चाहिए। तेरा कहा से मेरा नाम? इस बार जो है 21 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं हरियाणा में, तो पंचकुला से जो विधायक है, हाँ जी सर, ज्ञानचंद गुप्ता जी अपने बीजेपी, उन्होंने नारा लगाया है कि बीजेपी अब की बार बीजेपी का जो पार है वो 75 पार हो जाएगी। सर क्या कह सकते हैं, बाकी जिस हिसाब से काम किए हैं तो हो भी सकता है सर ये बात, बाकी सर पंचकुला में वैसे आपको पता ही है पंचकुला दिलवालों की सिटी है, और यहाँ पे जोर पता नहीं लगता सर, एक दिन पहले ही पलट सकती है गेम, बाकी NSUI जो अपनी क्या बोलते हैं कांग्रेस है जो, उसका भी बहुत जोर है यहाँ पे, और इनसो जो अपनी नेलो पार्टी है और ये JJP है, ये भी बढ़िया तरीके से कर रही है प्रचार अपना, और एक नई पार्टी आई है जो RJP है, उन्होंने भी अपना वो है विधायक खड़ा किया है यहाँ पे अपना प्रतिनिधि। सर सत्ता में आने पे सबसे पहले तो एक तो अपना जो स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए जो बेनिफिट है, क्योंकि आप जानते ही हो सब जो अपने देश की सबसे बढ़िया पावर होती है सर वो होती है यूथ, तो अगर इनको ध्यान में रख के काम किया जाए तो वो बढ़िया रहेगा। और दूसरी बात सर, यहाँ पे अपना जैसे कि हम बस स्टैंड पे खड़े हैं इस टाइम, तो यहाँ बसों की बहुत किल्लत रहती है सर, आपको पता ही है, तो जो स्टूडेंट होते हैं वो लटक के जाते हैं बसों में सर, तो अगर उनके लिए किया जाए तो वो बढ़िया रहेगा सर। सर यूथ तो और किसी के साथ हो सकता है, बाकी पता क्या कई जगह है यूथ के लिए काम करेगा सर, वही साथ जाएगा ना ज़्यादा। मेरा नाम भानु प्रताप, भानु राणा।
हाँ जी, पंचकुला में सा है तो सभी का जो प्रचार अच्छा चल रहा है सभी पार्टियों का, पर जो यूथ के साथ ज़्यादा अच्छे से संपर्क करे उसका ज़्यादा जोर रहेगा हमारे साथ। आर जे यूथ अपना यूथ सुधार करे, बस इसका बस स्टैंड पे हैं, कॉलेज में आते हैं, कोई स्कूल्स में आते हैं तो सबसे ज़्यादा चोट लगती है बच्चों को। बेरोज़गार है सारा यूथ, कहीं जगह नहीं मिल रही, लटक के आते हैं। रोज़गार अच्छा, अभी मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है रोज़गार के ऊपर, बहुत बढ़िया काम हो रहा है सर। एक्चुअली रोज़गार का तो ऐसे है सर, अगर ना जो अपने जॉब्स होते हैं सर प्राइवेट सेक्टर में बहुत होते हैं, और लोगों को पता क्या है, लोगों के मन में ये बात है कि हम सारे सरकारी जॉब ही करें सर, तो सरकार पे इतना डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि हमें सरकारी जॉब ही मिले। इतना यार आप कर सकते हो यार, बेरोजगारी क्यों बढ़ानी, प्राइवेट जॉब करो अगर आप एलिजिबल हो। आपका नाम? प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, जो बीजेपी का इस बार का नारा है कि हमारी जो सरकार है वो 75 पार है, तो क्या इस बार हो पाएगी 75 पार? नहीं होगी, अब तो इसने तो बहुत लूट पार की है, ना रोजगार मिला ना व्यापारियों को कुछ मिला है, इसके कारण इसको तो सभी लोगों का एक ही नारा है, बस कांग्रेस आएगी बस, और कोई पार्टी आएगी बस। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस ने बहुत रोजगार दिया, अच्छे काम किए, कोई तंग नहीं हुआ आज तक जनता, इसमें तो बहुत ही बेरोजगार है, जनता बहुत तंग है, कोई साधन नहीं है, बसों का तो देख लो कितना बुरा हाल है, ना कोई बस आती है ना कुछ। और क्या कठिनाइयाँ देखनी पड़ रही हैं आपको बीजेपी सरकार के? कठिनाइयाँ क्या, जैसे हम तो रोजगार है, रोजगार ही नहीं मिल रहा क्या ने कोई रोजगार नाम की कोई चीज़ नहीं थी, मतलब किसी चीज़ की नहीं, कोई ऐसी वो नहीं है। आप कैसे देखते हैं कि सरकार को रोजगार कैसे देने चाहिए, लोगों को मारना चाहता? रोजगार तो ऐसे है, ग्रुप डी की भर्ती निकाली थी उन्होंने, उसमें सारी बड़ी बड़ी पोस्टों में लग गए जिन्हें बड़ी बड़ी पढ़ाई की थी, जो 10वीं बेस के पर ग्रुप डी की भर्ती थी उसमें बता हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसी कोई भर्ती नहीं है। लग तो गए इसमें MBBS वाले लगे हैं जिन्होंने इतने इतने पढ़े लिखे हैं, जो 10वीं प्लस टू करे उनको तो कुछ भी नहीं मिला इसमें। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।